आज की वीडियो के अंदर आप B17 इस्लामाबाद में मौजूद सी ब्लॉक के अंदर जरार होम्स के घर की अपडेट का मुआयना करेंगे, उसकी मौजूदा सूरत हाल देखेंगे। घर बनना शुरू हुआ 2019 में और जरार इनको के इंजीनियर्स ने इस घर को अभी ग्रे स्ट्रक्चर तक पहुंचा दिया। आज की वीडियो में इसके साथ साथ आप देखेंगे घर का तफसीली ग्रे स्ट्रक्चर का मुआयना और उसके साथ साथ जरार एंड को डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का एक छोटा सा हम इंट्रोडक्शन आपको दिखाएंगे। घर मौजूद है B17 के सी ब्लॉक के अंदर, जो कि काफ़ी आबाद इलाका है, और इसी ब्लॉक के अंदर कमर्शियल की जो बिल्डिंग्स हैं उसके साथ साथ आपको क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम और भी बहुत सारी सहूलियात मौजूद हैं। घर के गेस्ट स्ट्रक्चर का हम कम्प्लीटली मुआयना करेंगे और इसके साथ साथ हम इसकी इक्साद की जो तफसील है उसका एक हल्की सी आपका झलक दिखाएंगे, जो कि हम अगली वीडियो के अंदर तफसील के साथ आपको इसके बारे में बताएंगे। तो अगर आप वीडियो में जो भी ग्रे स्ट्रक्चर का कंप्लीट मुआयना करना चाह रहे हैं तो आपने वीडियो आखिर तक देखनी है और किसी भी तफसील के लिए आपने नीचे दिए गए हुए नंबर पर रब्ता करना है। जदीद तर्ज तामीर और आला मयार की कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हुए जरार इनको ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स सर अंजाम दिए हैं, जिनमें मल्टी गार्डन्स का चिड़ियाघर भी जरार इनको ने बनाया और इसके साथ साथ फार्म हाउस भी ROS के अंदर जरार इनको ने तामीर किए हैं और इसके साथ साथ काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की सॉफ्ट और हार्ड लैंडस्केपिंग भी की हुई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद कासिम खान और मैं आपके पास लेके आया हूँ आज एक और प्रॉपर्टी, जो बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो आज मैं आपको इसका टूर कराऊंगा कंप्लीट, इस और इसके नक्शे के बारे में बताऊंगा, इसके लोकेशन के बारे में बताऊंगा। पहले लेकिन तफसील से ज़रा एक घर देख लेते हैं, आइए। ये इसका गैराज है, इस गैराज के अंदर तकरीबन दो गाड़ियाँ खड़े होने की जगह, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये दो गाड़ियाँ खड़े होने की जगह है इधर, और साथ में ये अब घर की एंट्रेंस है। तो अगर हम इस तरफ आते हैं तो ये ड्राइंग रूम है, ठीक है, ये घर का ड्राइंग रूम है और ये इसकी वेंटिलेशन एरिया है सारा, और उसके बाद ये वॉशरूम है, ठीक है, घर के साथ ही बिल्कुल एंट्रेंस के साथ ही, और ये टीवी लॉन्च है, ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये टीवी लॉन्च है, ये सारा का सारा वो हमने वहाँ पे ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स का पाइप्स दिए हैं बल्कि CCTV की भी जो वायर्स हैं उनके भी पाइप्स देने हैं। ये दो बेडरूम्स हैं, आपको नजर आ रहा होगा ये बेडरूम, ठीक है, ये इसका साथ में अटैच बाथ है, वो ड्रेसिंग का एरिया है, और साथ में आपको जो ये वाला है, ठीक है, ये भी बेडरूम है, ठीक है, इस वक्त अगर लाइट कम है और मैं इसलिए ज़्यादा नहीं दिखा सकूँगा, और साथ ही ये इसका किचन है और किचन के साथ ही लॉन्ड्री दी हुई है। तो आप इस लॉन्ड्री के अंदर इधर आके आप वॉशिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे और ऊपर वाले फ्लोर में मैं आपको बाकी जो इस घर का नक्शा है उसके बारे में बताऊंगा और इस घर की तफसीलात साथ साथ मैं आपको देता रहूँगा मैप के ज़रिए भी, इसने इंस्टॉलमेंट प्लान सारी चीज़ें, ये इसकी सीढ़ियाँ, ठीक है जी, और उसके बाद हम यहाँ पे स्लोली स्लोली ऊपर चढ़ते हैं और आपको मैं बताता हूँ जैसे ही सीढ़ियाँ जो हैं वो खत्म होती हैं साथ ये ऊपर भी एक इसी तरह ड्राइंग रूम, ठीक है, तो इसमें दो फैमिलीज रह सकती हैं एट अ टाइम। और ये इसका जनाब वॉशरूम है, ठीक है, जो आपको नज़र आ रहा है, और ये इसका टेरेस, ठीक है, ये जो आपको सारा नज़र आ रहा है टेरेस है, और ये सामने लोग रह भी रहे हैं, आबादी है यहाँ पे, और सी ब्लॉक काफ़ी बिजी ब्लॉक है B17। अब उसके बाद मैं अंदर से आपको दिखाऊंगा और अंदर से बड़ा मजे का ये घर के साथ ही टीवी लॉन्च है इसका, ठीक है, और ये आंगन जो है किचन है, ठीक है, ये ओपन किचन है यहाँ पे फिलहाल, और एंड इसका जो है वो हम आपको तफसील में बताएंगे, आप हमारे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं जो नीचे गया है और वहाँ पे आप रब्ता करके तमाम और तफसीलात जो आपके जहन में सवाल आ रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो ये एक और बेडरूम है, ये इसके साथ अटैच बाथ है, ठीक है, और इसके बाद एक और बेडरूम मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दूसरा बेडरूम है ऊपर वाले एरिया का, तो ऊपर भी दो बेडरूम है, नीचे भी दो बेडरूम है, और नीचे भी ड्राइंग रूम है, ऊपर भी ड्राइंग रूम है, टिक लॉन्च भी है किचन के, ये दूसरा बेडरूम है दूसरे फ्लोर पर। अभी हम छत की तरफ चलते हैं, छत पे दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, सर्वेंट क्वार्टर और स्टोर, ठीक है, हम देखते हैं कि सर्वेंट क्वार्टर और स्टोर को कैसे हमने इसमें मैनेज किया है, ठीक है, यहाँ से इसका बड़ा मेस्मराइजिंग किस्म का बड़ा ज़बरदस्त व्यू बनता है, ये साथ में मार्बला हिल्स में पीछे जो आपको नज़र आ रही है, और साथ में ये सर्वेंट क्वार्टर है,
काफ़ी बड़ा बनाया है, ये बड़ी मुझे बात पसंद आई है। वरना लोग छोटे छोटे सर्वन क्वार्टर्स बनाते हैं, काफ़ी बड़ा है। ठीक है, आपको मेरे हाथों से अंदाजा हो रहा हो, ठीक है, वीडियो में अगर आपको अंदाजा है, काफ़ी बड़ा सर्वन क्वार्टर बनाया है। ठीक है, तो ये जनाब है इसका पूरा घर। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं इसकी तफसीलात तो इस नंबर पर रब्ता कीजिए, कॉल कीजिए और बेफिक्र हो जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।